हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए बहुत ही खूबसूरत सा ये उलेन ब्लाउज लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही, देखिए बहुत ही प्यारा है। ये देखिए कितनी खूबसूरत उलेन ब्लाउज है ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने दो कलर में बनाया है और यहाँ पे मैंने ग्राफ वाली ये डिजाइंस बनाई हुई है। ब्लैक और वाइट एंड रेड में मैंने ये रेड कलर का यहाँ पे डिजाइन दिया हुआ है, और ब्लैक और वाइट मैंने यहाँ पे पूरी स्वेटर में बुने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी खूबसूरत ये डिज़ाइन है, आप लोग को नज़दीक से मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये आगे की साइड का है और ये बैक साइड का है। सेम दोनों साइड एक ही जैसा है, सिर्फ यहाँ पे ये डोरी मैंने क्रोशिया से बनाया हुआ है। तो देखिए कितनी खूबसूरत ये डिज़ाइन्स लग रही है, तो आप लोग भी बनाइए। तो फ्रेंड्स, पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे 160 फंदे ले लिए हैं। 160 फंदे लेने के बाद यहाँ पे मैंने, देखिए, ये ग्रीन कलर की बॉर्डर तैयार कर ली हूँ। इसमें मैंने एक खूबसूरत डिज़ाइन बनानी है, तो वो सब तो मैं आप लोग को सेकेंड पार्ट में बताऊँगी फ्रेंड्स। लेकिन इसके पहले मैं आप लोग को, बहुत लोग कहते हैं कि मैम पहले इसका बॉर्डर बनाना बताइए, तो मैं इससे पहले बहुत बार बॉर्डर बनाना बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार मैं आप लोग को आज फिर इसका बॉर्डर बनाना बताऊँगी। तो एक तो मैंने बॉर्डर बना लिया 160 का, अब हम दूसरा बॉर्डर कैसे बनाएंगे, चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैंने 10 नंबर की निडल ली है और यहाँ पे 160 फंदे डाल लिए हैं। तो ये बॉर्डर कैसे बनती है, चलिए हम बनाते हैं। पहले तो हमने 3 फंदे, ये बॉर्डर हमारे सारे फ्रेंड्स उल्टे उल्टे फंदे, चलिए देखिए हम बनाते हैं। पहले हमने 3 फंदे उल्टा उल्टा बुनना है, एक दो तीन, तीन फंदे देखिए हमने यहाँ पे बुन लिया उल्टा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक चीज़ और किया है। इसके पहले वाले बॉर्डर में हमने 3 फंदे हमने उल्टे करने के बाद, और उसके बाद 3 फंदे का एक कर देते थे, तो वहाँ पे हम वो सिंपल बनाते थे। बट यहाँ पे देखिए, मैंने चैन टाइप की बनाई है, देखिए कितनी खूबसूरत है। तो यहाँ पे हम चैन वाला कैसे बनाएंगे वो बनाते हैं। तो पहले हमने 2 फंदे इसको इस सिलाई पे उतार लेंगे, और ये सेंटर के फंदे को हमने, अब ये पीछे वाला फंदा इस फंदे पे आ जाएगा, इस सिलाई पे, ये देखिए, और सेंटर वाला फंदा हमारा आगे की साइड, ये देखिए ऐसे आ जाएगा। जैसे हम चैन बनाते हैं जेंट्स स्वेटर का, 3 का एक करते हैं, एक चैन बनती हुई जाती है, ऐसे यहाँ पे भी हमने ये 3 का एक करना है। तो ये फर्स्ट रो है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि टाइट होती है पहली सिलाई, उसके बाद सही हो जाएगी। तो यहाँ पे हम 3 का एक कर लेते हैं। 3 का एक एक करने के बाद हमने यहाँ पे, देखिए, उनको अपनी साइड लाएंगे। फिर यहाँ पे हम 3 फंदे, देखिए, उल्टा उल्टा नीट करेंगे, एक दो तीन, देखिए यहाँ पे हमने 3 का एक किया। पहले 3 फंदा बुना, फिर 3 का एक किया। चाहे तो आप उल्टी उल्टी ही 3 का एक कर सकते हैं, या तो आपने चैन वाली करनी है। फिर अब हम यहाँ पे, हमारी 2 जाली बनेगी, देखिए ऐसे, एक, और ये जाली हमारी बन गई, यानी यहाँ पे एक जाली बनती है, एक यानी 2। फिर अब देखिए, एक दो तीन, तीन फंदा हम सिंपल बुनेंगे। फिर यहाँ पे देखिए, 3 का एक करेंगे, तो ये बीच वाला फंदा हम ऐसे लाएंगे और इस वाले फंदे को इस पे लेंगे, और सेंटर वाला जो हमारा बीच का फंदा है वो आगे की साइड आके ऐसे यहाँ पे हमने, देखिए, सॉरी, फंदे उनको उस साइड ले जाना है, 3 का एक करना। आप चाहें तो, जैसे मैंने बताया है कि अगर आपने ये, मतलब चैन वाली नहीं बनानी, तो आपने सिंपल सा 3 फंदा लेके फिर 3 का एक कर देना है। लेकिन मैं यहाँ पे चैन वाली बना रही हूँ, तो मैं ऐसा वाला आप लोग को बता रही हूँ। फर्स्ट रो थोड़ा टाइट होता है फ्रेंड्स, इसलिए
डिफिकल्ट होता है। अब देखिए यहाँ पे 3 का 1 हो गया। फिर उनको आगे लाएंगे और देखिए 1 2 3, फिर यहाँ पे हमारी जाली बनेगी। ऊन इसी साइड है तो हम बुनेंगे सीधा, फिर ऊन पीछे की साइड है यहाँ पे उल्टा बुन देंगे। फिर हमने देखिए 3 फंदा, 1 2 3, 3 फंदा बुना। फिर हमारा यहाँ पे क्या होगा, 3 का 1 होगा। तो आप चाहें तो सिंपल सा ही तीनों फंदे एक साथ लेके निट कर सकते हैं, बुन सकते हैं, या आपने ऐसे अगर बनानी है तो 2 फंदे को इस सिलाई पे लेके आएंगे, ये वाला फंदा इस पे हो जाएगा और सेंटर वाला जो फंदा है वो आगे आ जाएगा, ये देखिए ऐसे। फिर इसको हम उनको पीछे करेंगे और यहाँ पे फिर हमने यहाँ पे 3 का 1 कर देना है। ये देखिए 2 फंदे ये हो गए और एक हमने यहाँ पे 3 का 1 कर देना है। देखिए 3 का 1 करने के बाद हमने 3 फंदे सिंपल बुन लिए। फिर यहाँ पे हमारी जाली बनेगी, यही प्रोसेस हमने हमेशा करना है और उल्टे की बगल सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे, तो ऐसे ही ये पूरी बॉर्डर बनेगी हमेशा। देखिए 3, फिर हमने 3 का 1, ऐसे ही पूरी रो हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बैक साइड दिखाते हैं आप लोग को। देखिए फ्रेंड्स हम पीछे की साइड आ गए, तो पीछे की साइड सारे फंदे हमारे उल्टे उल्टे बुने जाएंगे। देखिए एक भी फंदे हमारे छूटने ना पाए। यहाँ पे देखिए जाली बना है हमारा, तो जाली वाला भी फंदा हम बुन लेते हैं। ऐसे ही देखिए सारे फंदे हमारे उल्टे उल्टे बुने जाएंगे, तो उल्टा बुनकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हम आगे की साइड आ गए हैं बुनकर, पीछे की साइड से हमने कंप्लीट कर लिया है बुन के। अब देखिए हमने क्या करना है आगे की साइड। आप लोग को एक चीज़ बता दूँ फ्रेंड्स कि आगे की साइड जब आप निटिंग करेंगे दूसरी सिलाई की, यानी आगे की साइड से जब दूसरी होगी पीछे से लेके तीसरी, तो 1-2 फंदे का इशू होगा फ्रेंड्स, इधर आपको 1 फंदे कम लगेंगे, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे कोई भी इशू नहीं है। पीछे से हमारा 1-2 फंदा ज़्यादा होगा और आगे से 1-2 फंदे कम होंगे। तो देखिए पहले हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे 3 फंदे निट किए थे, फिर हमारा ये 3 का 1 हुआ था, तो देखिए अब यहाँ पे 2 ही फंदे आ रहे हैं तब हमारे 3 के होंगे, तो हम इसको 3 का 1 एक बार नहीं करेंगे। फिर उनको पीछे घुमा के इसको हम, क्योंकि ये हमारा उल्टा बुना गया है, सॉरी सीधा, फिर वही हमने प्रोसेस करना है 1 2 3। अब देखिए 1 2 3, अब हमारी देखिए जाली के ऊपर जाली बनेगी, यहाँ पे हमारी जाली बनी हुई है, तो यहाँ पे देखिए जाली के ऊपर जाली बन जाएगी। फिर हमारा 1 2 3, 3-3 फंदे का ये प्रोसेस चलता है। 3 फंदे के बाद देखिए यहाँ पे हमने 3 का 1 किया हुआ है, यहाँ पे एक चैन बनी है। अब इन दोनों फंदों को इस पे लेंगे, फिर सेंटर वाले फंदे को जहाँ पे हमने चैन बनाया है उसको ऐसे लेंगे, फिर उनको हम पीछे करके और यहाँ पे हमने 3 का 1 कर लेना है, ये देखिए ऐसे। फिर हम उनको आगे करके 3 फंदे बुनेंगे, फिर जाली बनेगी हमारी, तो ऐसे ही हमारी पूरी कंप्लीट होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोग को डिज़ाइन बनाना बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डिज़ाइन बनाई हुई है ब्लाउज का, एक तो ये मैंने आप लोग को बताया है बनाना, और ये भी मैंने बताया है, ये 34 साइज़ के लिए मैंने ये बनाया है और ये 32 साइज़ के लिए। और इसके पहले देखिए फ्रेंड्स एक ब्लाउज मैंने और बनाया है, मैंने बहुत सारी वुलन ब्लाउज बनाई है, तो आप लोग मेरे वीडियो पे जाके देख सकते हैं। ये देखिए अभी इससे पहले मैंने ये अपलोड किया हुआ था, ये देखिए ये भी बहुत, ये बिल्कुल सिंपल सी है और बहुत ईजी भी है, इसमें बिल्कुल टाइम भी नहीं लगता है, तो इसको भी मैंने अपने वीडियो पर अपलोड किया अपने चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत है, ये भी 32 नंबर के लिए है, 34 नंबर का भी मेजरमेंट मैंने साथ में बताया है, और प्लस एक ये था। तो इन सब में मैंने डिज़ाइन अलग अलग बनाई है। अब जो मैं बनाने जा रही हूँ फ्रेंड्स उसकी डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट होगी, तो उसकी डिज़ाइन के लिए ये देखिए इसको आपने बिल्कुल भी कुछ भी कहीं भी नहीं करना है। पहले आपने बॉर्डर तैयार कर लेना है, 5 से 6 इंच की बॉर्डर, बॉर्डर ज़्यादा आप बुनेंगे तो फ्रेंड्स अच्छा लगेगा, क्योंकि पतला बॉर्डर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि देखिए मैंने जितने भी ब्लाउज बनाए हैं सब में देखिए बॉर्डर ज़्यादा निट किए हैं, तो जब तक ये बॉर्डर पतला रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा और साइज़ भी हमारी फिटिंग की नहीं आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसकी बॉर्डर तैयार करने के बाद सिंपल से निटिंग किया है,
जितनी भी हमने इतनी साइज में यहाँ पे मैंने डिजाइन डाला है, बट इसको मैंने बिल्कुल सिंपल बनाया है। तो आपने सिंपल कितना बनाना है देखिए, मैं हाथ की मदद से बताती हूँ। चार छह अंगुल टोटल हमने, ये छह अंगुल, ये 34 नंबर का मेजरमेंट है, इसमें 160 फंदे डले हुए हैं। तो यहाँ पे छह अंगुल का मैंने ये सिंपल सा तैयार कर लिया है। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, 45 फंदे आपने निट करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 45 यानी 45 फंदे बुन लिए हैं सीधा सीधा। अब हमने क्या करना है, इधर भी हमारे 45 ही फंदे रहेंगे, और बीच में जितने भी फंदे हैं 80 82 जितने भी फंदे हैं फ्रेंड्स, उनका हमने सारे फंदे को घटा देना। तो ये हमारा जान, आप लोग को बता दूँ ये वाला पार्ट बन रहा है ऐसे, क्योंकि ये दोनों दोनों पार्ट आगे पीछे का एक ही साथ बुनता है, और यहाँ से ऐसे बन के, और यहाँ पे देखिए बीच की हमारी, ये अब हमारे मुड्ढे की कटिंग घटाई हो रही है, ये वाला पार्ट हम घटा रहे हैं, यानी इतना हमने बुन लिया है, सॉरी इतना ये वाला पार्ट एक साइड का बुन लिया, अब ये हमारी कटिंग हो रही है मुड्ढे की। तो 45 फंदे के बाद चलिए हम फंदे को घटाते हैं। यहाँ पे देखिए 2 का 1, फिर इस फंदे को इस सिलाई पे ले गए, और यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, फिर इसको हम इस सिलाई पे ले गए 2 का 1, फिर इस फंदे को इस सिलाई पे 2 का 1 करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारे फंदे कम हो रहे हैं यानी बंद हो रहे हैं। तो हमने ऐसे ही करके सारे फंदे को, जितना 45 फंदे बचे हैं उतने यहाँ पे रख के 45 इस साइड भी, और बीच के सारे फंदे को हमने बंद कर लेना है। तो चलिए हम इतना कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सेंटर के सारे फंदे, देखिए सारे फंदे को हमने बंद कर दिया है। ये देखिए अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, देखिए ये हमारा कुछ ऐसे बन कर आएगा। तो ये देखिए हमारी मुड्ढे की कटिंग हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे 45 फंदे हैं, यहाँ पे 45 फंदे हैं, बीच के जितने भी 80 70 जितने भी फंदे थे सारे हमने बंद कर लिए। 160 फंदे थे यहाँ पे टोटल। आपको अगर पूरे पेट का, फुल पेट का बनाना है, तो जैसे मैंने यहाँ पे 160 रखा है, आप 180 200 तक का भी रख सकते हैं, 200 तक का भी रख सकते हैं फ्रेंड्स, आपके ऊपर है। अब हमने क्या करना है देखिए, इतना तो मैंने इसको सिंपल इसलिए बनाया क्योंकि इसमें मैं बाद में एम्ब्रॉयडरी या कोई डिज़ाइन नया सा बनाऊंगी, तो आप लोग वेट करिएगा मेरी थर्ड पार्ट का। अब हमने देखिए इतना नीट करने के बाद, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बॉर्डर से लेके, इसका मैं मेजरमेंट आप लोग को बता देती हूँ, बॉर्डर से लेके टोटल हमारी ये लेंथ देखिए 6 इंच के करीब है। तो आप 6 इंच बॉर्डर से लेके, और ये सिंपल अगर बुनना चाह रहे तो आप सिंपल भी बुन सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे सेंटर में डिजाइन भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब देखिए इतना हमने करने के बाद, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट हमारा यहाँ तक हो गया है। अब हमने क्या करना है देखिए, ये हमने कितना बुनना है आपको मैं दिखा देती हूँ मेजर करके। हमने ये 3 इंच लगभग, 3 इंच लगभग क्या, 3 इंच आपने ये निट कर लेना है यहाँ से। अब ये देखिए 45 जो हमारे फंदे हैं, इनको हम 3 इंच बुनेंगे एक साइड का, फिर 3 इंच बुनेंगे एक साइड का, उसके बाद सारे फंदे हम क्लोज कर लेंगे, तो ये पार्ट हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। इतना बनने के बाद ये देखिए, या तो आपने 4 अंगुल बुन लेना है, या तो 3 इंच ये बुनने के बाद एक पार्ट का, फिर सारे फंदे को हम बंद कर देंगे, जैसे यहाँ पे मैंने बंद करना होता है। फिर यहाँ पे भी हमने मतलब 45 फंदा इसको भी बुनेंगे, और इसको भी 45, पहले एक साइड का हम 3 इंच का बुन लेंगे, फिर फंदे को बंद कर लेंगे, फिर इस साइड का भी बुन के बंद कर लेंगे फंदे को। उस ऐसे ही आपने सेम ऐसे ही 2 पार्ट कंप्लीट कर लेना है, 2 पार्ट आप लोग बना लेंगे जैसे ये दोनों पार्ट। उसके बाद नीचे का भी आपने ऐसे ही बॉर्डर तैयार कर लेना है, या तो मैं इसमें अलग तरीके से नीचे का बॉर्डर बनाऊंगी 2 कलर में, वो बहुत ही खूबसूरत बॉर्डर होगा, उसको मैंने बताया भी है। आप चाहे तो ऐसे सिंपल ही बॉर्डर ऐसे ही बना सकते हैं, या तो आप 2 कलर का भी बना सकते हैं। तो इसमें मैं 2 कलर का बॉर्डर बनाऊंगी, प्लस 2 कलर का यहाँ पे ये देखिए शोल्डर भी बनाना बताऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं सारा मेजरमेंट आप लोग को फुल स्वेटर की बताऊंगी, वुलन ब्लाउज का। तो इतना पहले आप लोग 2 पार्ट बनाकर कंप्लीट कर ले, उसके बाद 85 85 फंदे के 2 बॉर्डर कंप्लीट कर ले। जैसे ये टोटल 160 फंदे का है, तो 80 80, नहीं तो आप 85 85 तैयार करेंगे, क्योंकि आधा आधा इंच हमारी सिलाई में आ जाती है। तो आपने ऐसे ही 2 बॉर्डर तैयार कर लेना है, और 2 पार्ट ऐसे ही तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।